वेलकम टू किचन विद सनोविया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मज़ीद न्यू वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ नहारी। उसके लिए हमें तकरीबन ये 3 पाव बीफ का गोश्त है, नहारी का बॉन्ग का जो होता है, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसा जो गोल गोश्त होता है बॉन्ग का, वो ये 3 पाव गोश्त है। एक मैंने नली ली है, आधी प्याली तेल है, 1 लीटर पानी है, मगर मैं मज़ीद पानी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लूँगी। 2 लीमू, थोड़ा सा हरा धनिया, 5 अदद हरी मिर्चें, ये हम जब सर्व करेंगे तब हम नहारी में इसको इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद दरमियानी प्याज लिए, उसको काट लिया है हमने। 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आटा हमने 4 से 5 चम्मच लिए हैं, इसको हम घोलेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो हम इसमें इसको ऐड करेंगे गाढ़ा करने के लिए नहारी का, ये बिल्कुल लास्ट में हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सूखे मसालों में 1 तेज़पत्ता चाहिए, तकरीबन इतने बड़े 2 टुकड़े हमें सौंठ सूखी अदरक के चाहिए, थोड़ी सी जायफल जावत्री चाहिए, तकरीबन आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ पाउडर जायफल जावत्री का, 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच साबुत सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 6 अदद लौंग और 10 अदद काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा सफ़ेद। अब हमने यहाँ ये करना है, जो है हमारे साबुत सारे मसाले हैं इनको हम ग्राइंडर में पीसेंगे और इसको फिर हम उस मसाले में ऐड करेंगे जो पिसा हुआ हमारा ये हल्दी नमक और लाल मिर्च है। ये देखिए, ये ग्राइंडर में हम ज़ीरा, साबुत धनिया, सौंफ, तेज़पत्ता, सौंठ और जायफल जावत्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और बादियान, ये सब हम डाल के जो है इसका बारीक पाउडर बना लेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमने चूल्हे पे पैन रख दिया है, इसमें अब हम ऑयल ऐड करेंगे आधी प्याली। और साथ ही हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, प्याज को हम फ्राई करेंगे। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज देखें हमारी हो गई है, हमने बस ज़्यादा नहीं इसको ब्राउन करना। और इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें ये गोश्त डाल देंगे। अच्छा, जो इसकी नली है वो मैं अभी नहीं डालूंगी, वो मैं तकरीबन जब आधा गोश्त गल जाएगा तब डालेंगे, वरना सारा इसका जो अंदर का गोश्त होता है नली का वो निकल जाएगा बाहर। इसको अभी भूनेंगे हम 1 मिनट के लिए। ये देखिए, हमने 1 मिनट तक के लिए मैंने ये गोश्त को भून लिया था, इसका कलर चेंज हो गया गोश्त का। अब ये मसाला जो पीसा, साबुत मसाला जो मैंने पीसा है, ये वो मसाला है, सारा हम इसमें डाल देंगे। नमक मिर्च अगर आपको तेज़ करनी हो या कम रखना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे इस मसाले के साथ, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखें, ये गोश्त फ्राई हो गया है इसके साथ, मसाले के साथ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 लीटर हम पानी इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी तो हम पानी ज़्यादा डालेंगे, ये पानी कम है, तकरीबन मैं आधा लीटर यानी कि टोटल हम 6 ग्लास इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 4 ग्लास डाले थे, 2 ग्लास पानी इसमें मैं और डालूंगी। और इसको कवर करके धीमी आंच पर हम पकने देंगे 1 उबाल के बाद, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे। इन केस अगर हमारा गोश्त जब भी नहीं गलता तो हम इसको टाइम बढ़ा सकते हैं, ये गोश्त पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको कम अज़ कम 2 से 2.5 घंटे पकाएँगे धीमी आँच पर। व्यूअर्स, तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है नहारी को पकते हुए और मैंने इसको चेक कर रही हूँ तो इजीली फोक जो है जा रहा है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसको गलाना है, नहारी का गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ होता है। आधा गोश्त तकरीबन गल चुका है। अब इस वक्त अगर हम इसके अंदर
ये नली डाल देंगे और तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हम मज़ीद इसको पकाएंगे, फिर हम इसमें आटा ऐड करेंगे। धीमी आंच पे हम एक से डेढ़ घंटा मज़ीद इसको पकाएंगे। जी व्यूवर्स, ये तकरीबन मैंने इसको चार घंटे पकाया है निहारी को, तीन घंटे नहीं पकाया, गोश्त कहीं गला था। तो अब हमने यहाँ ये करना है, ये जो साइडों में इसके तेल आया है ये हम उतार लेंगे इस पे से चमचे से ऐसे करके, ये हम बाद में डालेंगे। ये सारा तेल तकरीबन हम उठा लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसका तेल उतार लिया है, ये प्याली भर कर ये तेल आया है, कुछ गोश्त का कुछ हमने डाला था जो ये वो तेल है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आपको मैं गोश्त दिखाऊं, ये देखिए गोश्त हमारा कैसे गल गया है बिल्कुल, ये देखिए इजीली टूट रहा है। ऐसा ही नहारी का गोश्त होता है, आप इतने बड़े पीस भी रख सकते हैं, आप चाहें तो बड़े पीस भी रख सकते हैं। अच्छा हमने यहाँ के ये करना है कि थोड़ी देर हम इसमें दो तीन दफ़ा चमचा चलाएंगे, जो इसमें हमने भगार के वक्त प्याज डाला था वो मिक्स हो जाए। और साथ ही हमने जो आटा रखा हुआ है, ये चार से पांच खाने के चमचे आटे के हैं, ठीक है। नॉर्मल आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पतला सा घोलेंगे पानी से और फिर हम इसमें डालेंगे इसको। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इतना पतला इसको रखना है, ये आपको दिख रहा है, ये हमने इतना पतला इसको रखना है और ये हम इसमें नहारी में हम डालते जाएंगे और हल्का हल्के चमचा हिलाते जाएंगे। और तकरीबन हम इसको पाँच से सात मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए ये नहारी का गाढ़ापन इतना है, अब जब ये पकेगी तो और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। आँच हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। ये देखिए हमने इसको पाँच मिनट पकाया है और नहारी हमारी जो है बिल्कुल सही जितनी हमें गाढ़ी चाहिए थी, ये देख रहे हैं आप इसकी ये हो चुकी है। अब हमने ये करना है, जो हमने ऑयल निकाला था वो आहिस्ता से हमने जो है इसमें पोर कर देना है, इसमें डाल देना है पूरे में ऐसे करके, और इसको दो मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आँच पर कवर करके रखेंगे, फिर हम इसको धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करेंगे। जी ये दो मिनट हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं इस पर ऑयल आ गया है ऊपर, नहारी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो आप ये जब सर्व करें उस वक्त आप धनिया हरी मिर्च डाल दें, चाहे तो आप अभी डाल दें। धनिया और हरी मिर्च हमने इस पर डाल दी हैं, आप इस पर लीमू डाल के और गरम गरम नान के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।